दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बिहार सरकार के द्वारा दारू शराब तस्करी में जो गाड़ी जब्त होते हैं थाने में, उस गाड़ी को आप कैसे खरीद सकते हैं, इस वीडियो में पूरी कंप्लीट जानकारी आपको मिलेगा। सिर्फ 2 मिनट आपका समय चाहिए, 2 मिनट में आपको पूरा कंप्लीट जानकारी मिल जाएगा। और आपको बता दें, जो बिहार सरकार के द्वारा गाड़ी नीलामी होती है वो बहुत ही सस्ते दामों में गाड़ी नीलामी होती है, जो कि फ्रेंड्स आप बहुत ही इजी तरीका से खरीद सकते हैं। आपको करना कुछ नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्म भरना होता है। इसके बाद आपको मद्य निषेध ऑफिस में जाना पड़ेगा। आपके डिस्ट्रिक्ट के जो भी मद्य निषेध ऑफिस होगा, हर डिस्ट्रिक्ट में मद्य निषेध ऑफिस होता है, किसी भी ज़िले से है, ऐसा नहीं कि आपके ज़िले में नहीं है, हर डिस्ट्रिक्ट में मद्य निषेध ऑफिस होता है। आपको देखिए, नीलामी होने से पहले क्या होता है, 10-15 दिन पहले नोटिस जारी कर देते हैं। नोटिस जारी कर देते हैं तो उस नोटिस में फ्रेंड्स जो गाड़ी नीलामी की होती है, सारा गाड़ी का लिस्ट दिया गया होता है उसी में। यानी कि थाने में जो आप जाएंगे तो उसमें बहुत सारे गाड़ी होते हैं, तो सभी गाड़ी नीलामी की तो होगी नहीं, कुछ गाड़ियाँ होगी जो नीलामी होगी। ऐसे नहीं है कि हर महीने नीलामी होती है, मान लीजिए 50-60 गाड़ी के इस महीने में नीलामी है, 50-60 गाड़ी की अगले महीने में नीलामी है। तो इसीलिए नोटिस में जारी कर दिया जाता है कि ये गाड़ी का नंबर जो है नीलामी होने वाली है। जो भी गाड़ी नीलामी की होगी उस गाड़ी का नंबर आपको नोटिस में दे दिया गया होता है, ताकि आप लोग गाड़ी का नंबर देख करके गाड़ी को पता लगा सके गाड़ी कहाँ पर रखा गया है थाने में। और हाँ, गाड़ी नंबर, गाड़ी का नाम और इसके बाद कौन से थाने में रखा गया है ये भी दिया गया होता है, ताकि आपको आसानी से ढूंढने में मिल सके। तो देखिए, जैसे कि मान लीजिए आपके ज़िले में, किसी भी ज़िले में, मान लीजिए फ्रेंड्स मैं मुजफ्फरपुर की बात कर रहा हूँ, मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में यदि जो नीलामी होगी तो मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में जितने भी थाने होंगे सभी थाने में कुछ ना कुछ गाड़ियाँ नीलामी होती ही है, चाहे 50 गाड़ी हो या 60 गाड़ी हो, हर थाने में नीलामी होती है। तो जैसे मान लीजिए मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में नीलामी हो रही है, तो जितने भी थाने हैं सभी थाने का नाम दिया गया होगा उस नोटिस में। हमने बहुत सारे वीडियोज अपलोड कर दिए हैं, आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल के अंदर विजिट कीजिए, बहुत सारे गाड़ी दिखाए हैं थाने में और बहुत से वीडियो बताए हैं, उसमें सारा जानकारी दिया गया है, आप देख सकते हैं मेरे चैनल के अंदर विजिट करके। तो गाड़ी नंबर आपको ढूंढना पड़ता है थाने में जाकर के, या फिर आप थाने में जाइए और बोलिए कि सर मुझे नीलामी की गाड़ी ख़रीदना है और वो कहाँ पर रखा गया है। तो आपको थाने में जाइएगा तो बहुत ही आसानी से बता देंगे कि यहाँ पर गाड़ी रखा है, आप देख सकते हैं, उसमें कोई टिक मार्क या फिर लाल कपड़ा से बांध दिया जाता है कि ये गाड़ी नीलामी का है, ये गाड़ी नीलामी का है। आप थाने में जाइएगा तो आपको बहुत सारे गाड़ी जो है थाने में मिल जाएगा, और जो गाड़ी आपको पसंद होगा उस गाड़ी का नंबर आप फोटो खींच लीजिएगा और सीधा मद्य निषेध ऑफिस में जाइएगा। आप उसमें नोटिस में सारा दिया गया रहता है कि कहाँ पर मद्य निषेध ऑफिस है, समाहरणालय में होता है नीलामी, तो वहाँ पर जाइएगा, एक फॉर्म लीजिएगा, फॉर्म भरिएगा और जमा कर दीजिएगा। उसके साथ साथ कौन कौन डॉक्यूमेंट लगेंगे, आधार कार्ड सिर्फ लगेंगे, इसके बाद 2 फोटो लगेंगे और कुछ नहीं है। इसके बाद आपको बोली लगाना होगा, नीलामी में जितने भी लोग फॉर्म फिल किए होंगे उस दिन सभी के सभी लोग ऑफिस में जाएंगे, मद्य निषेध ऑफिस में, वहाँ पे सभी प्रेजेंट होंगे, सभी के साथ एक बार यानी कि बैठक होगी और बोली लगाएगी, गाड़ी का नाम, गाड़ी नंबर, इतना इतना और इतना प्राइस आपको दिया गया रहता है नोटिस में। इसके बाद फ्रेंड्स जो व्यक्ति सबसे ज़्यादा बोली लगाएंगे उसी व्यक्ति के नाम से गाड़ी जो है वो कर दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई गाड़ी आपने पसंद करके गया, उस गाड़ी का कीमत है 10,000 रुपये, तो सबसे ज़्यादा बोली जो व्यक्ति लगाएंगे 10,000, 11,000, कोई 12,000 बोलेंगे, कोई 13,000 बोलेंगे, कोई 14,000 बोलेंगे, और इससे ज़्यादा कोई व्यक्ति नहीं बोली लगाएंगे तो लास्ट जो है उसके नाम से गाड़ी कर दिया जाएगा। यानी कि आप बोली का मतलब समझ ही रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो यही है कि बोली लगाना पड़ता है और बहुत ही सस्ते दाम में बहुत ही अच्छे अच्छे कंडीशन की बाइक, कार, 4-व्हीलर 2-व्हीलर आप खरीद सकते हैं थाने में। और दोस्तों थाने में जो ज़्यादातर गाड़ी होता है वो बिहार में अभी दारू शराब बंद है, और दारू शराब तस्करी में जो गाड़ी जब्त होता है उसी गाड़ी की नीलामी होता है।
तो आप लोग जाइए थाने में, सॉरी आप लोग पहले ये पता कीजिए कि आपके ज़िले में कब होगी नीलामी, ये जानना ज़रूरी है। तो देखिए हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको हर डिस्ट्रिक्ट में जैसे ही नोटिस जारी होता है तो जानकारी दिया जाता है। अगर आप जानना चाहते हैं, गाड़ी खरीदना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है, फ्री में आपको जानकारी घर बैठे मिल जाएगी किसी भी डिस्ट्रिक्ट में नीलामी होगी। तो मैंने 400 वीडियो अपलोड कर दिए हैं नीलामी का, आप देख सकते हैं मेरे अंदर चैनल के विजिट करके। तो फ्रेंड्स, और अभी तो किसी भी डिस्ट्रिक्ट का नोटिफिकेशन नहीं आया है, जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा तो आपको जानकारी अवश्य मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं कि फ्रेंड्स आप लोगों को ये जानकारी जरूर पसंद आया होगा, और पसंद आया तो वीडियो को छोटा सा लाइक कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आपके पास जो भी कन्फ्यूजन है, जो भी डाउट है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।